हे दोस्तों, लाया हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो वन प्लस नॉट बर्ड सीरीज का फर्स्ट जनरेशन का ईयरबड्स, जो एक साल ऑलमोस्ट होने जा रहा है लॉन्च हुआ था। ये है इसका बॉक्स, आप देख सकते हो। इसका डिज़ाइन थोड़ा अनोखा है, ये डिज़ाइन काफ़ी हद तक रिलेट करता है नोकिया का एक ईयरबड्स लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर जनवरी को, के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज था। तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि इसको बाई करूँ या ना करूँ, क्योंकि डिज़ाइन में थोड़ा लगा, थोड़ा चौड़े डिज़ाइन में आते हैं तो कान में फिट होगा कि नहीं। अगर मैं थोड़ा प्रेशर डालूँगा, अगर किसी हेलमेट या सोते हुए अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये अच्छे से काम करेगा या नहीं, यानी कम्फर्ट देगा कि नहीं, पेन तो नहीं करेगा, थोड़ा कुछ डाउट था। बट फाइनली डिसाइड कर लिया कि जो अपनी पहले कंपनी में भी इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं, और उसके बाद अच्छा लगा तो रख लेंगे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने बड्स, ये है ईयरबड्स वन प्लस नॉट सीरीज का पहला जनरेशन का, अभी तो सेकेंड जनरेशन का लॉन्च हो चुका है। मैं फिर भी बहुत बार सोच रहे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसको डिस्काउंट में एटलीस्ट 2000 में मिल जाता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। नया जो सीरीज लॉन्च हुआ है उनको रिफंड मिल रहा है, उसमें ANC भी आता है, वैसे भी ANC में इसका ज़्यादा कुछ फर्क नहीं देता है। बाकी डिटेल से हम बात करते हैं। तो इसका डिज़ाइन तो आप देख ही सकते हो, ये है डिज़ाइन इसका, दोनों मैं दिखा देता हूँ। अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूँ, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर से मुझे ये रेड केबल मिला है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिला है, उसमें दो एक्स्ट्रा पेयर है, और स्टिकर्स भी मिला है, पता नहीं क्या स्टिकर दिया है बट ये मिला है। बाकी बॉक्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो, पीछे USB टाइप सी चार्जिंग केबल है, एक रिसेट कम मल्टीफंक्शनल बटन है, इसको आप होल्ड करेंगे तो रिसेट कर सकते हो, पेयरिंग मोड में ला सकते हो, और लाइट भी पीछे की तरफ भी दिया गया है, सामने की तरफ लाइट दिया गया है, LED का ये वाइट एंड ग्रीन होता है, वाइट मतलब पेयरिंग का मोड होता है, ग्रीन मतलब ऑलरेडी पेयर्ड है, कनेक्टेड है, या आप ऐसे ओपन कर सकते हो। ग्रीन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फॉर्म है, सॉलिड है, और इधर मैग्नेटिक है, ये सब मैग्नेट जैसे अटक जाता है, यहाँ पर रखने से क्विकली फिट हो जाता है। और इसका कंफर्ट मैं बताता हूँ, पहनने के बाद मुझे पहले तो डाउट हुआ कंफर्ट कैसा होगा, मैं ऑलरेडी जो यूज़ कर रहा हूँ DLP बड्स ईयर को, ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल था। मैंने आफ्टर रिव्यूइंग बहुत सारे ईयरफोन के बाद मैंने इसको चूज़ किया था, तो इसका कंफर्ट लेवल और इसका कंफर्ट ऑलमोस्ट मैच करता है। मैं पहन के देखता हूँ, ये देखिए मैंने पहन लिया, ये देखिए किस तरह से अंदर चला गया, ऐसा फिट हो गया। और एक तरह से इसका जो बाहर का नॉर्मल साउंड को प्रिवेंट करता है, इसका ईयर की फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तरह से आपको एनवायरमेंटल नॉइज सेंसेशन मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं उसी तरह की मैं दिखा देता हूँ, उसी तरह की मैंने पहन लिया है, तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से फिटिंग मिलने वाला। अगर आप इस तरह से सो भी जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको पेन भी ज़्यादा नहीं होगा, हेलमेट के अंदर तो बहुत अच्छी तरह से फिट हो रहा था, तो ये कमाल की चीज़ मिल जाता। बाकी मैं इसकी साउंड की बात करूं तो साउंड अल्टीमेट है। इस रेंज में बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट निकलता है, बट साउंड इतना ग्रेट नहीं होता, बट साउंड इसका बहुत ही अच्छा है, बाकी फीचर्स सारे बहुत अच्छे हैं, डिटेल में बात करते हैं उसका। तो बट साउंड में एक चीज़ मिसिंग था, वो भी मैं आपको हाईलाइट कर दूँगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है वो इतना क्लियर नहीं दिखता है, जो अपना प्रीवियस बड्स जो है रियलमी ईयरबड्स में बहुत इंस्ट्रूमेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट क्लियरली मुझे सुनाई दे जाता था, तरह सराउंड साउंड जैसा, उसमें ये नहीं है। स्टीरियो साउंड बहुत अच्छा है और बेस अच्छा है, वॉइस में थोड़ा क्लैरिटी अच्छा है, बाकी इंस्ट्रूमेंट में क्लैरिटी इतना अच्छे नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज साउंड का लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, आई थिंक मुझे हार्डली 30 या 40% साउंड वॉल्यूम में रखना पड़ता है इसको सुनने के लिए, तो उससे ज़्यादा तो मैं दे ही नहीं पा, बहुत लाउड। और बाकी इसका
5.2 दिया गया है टेन टूटी का मॉडल, बहुत फास्ट है। और सबसे कमाल की बात वन प्लस की जो इकोसिस्टम है उसके अंदर इसको आपको पेयर करने की जरूरत है, मतलब आप इसको ओपन करो ऑटोमेटिक एनिमेशन के साथ आता है, कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है जो कि गूगल फास्ट पेयर का ऑप्शन इन्वेंट है। तो वो सिर्फ वन प्लस डिवाइस में है, ओप्पो प्लस रियलमी के डिवाइस में भी बहुत अच्छे से होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ऐप्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो भी ऐप चलता है उसके बिना ही आपको सारे फंक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी ब्लूटूथ सेटिंग्स के मेनू में है, बहुत कमाल के अन्य जगह आप इसको भी कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा काम किया है वन प्लस। और ब्रांड हेल्प को देखते हुए अगर 2000 रुपीज़ आप स्पेंड कर रहे हो इस पर्टिकुलर डिवाइस में, साउंड अच्छी मिलेगी, नो डाउट कनेक्टिविटी अच्छा मिलेगा, डुअल पेयरिंग का सपोर्ट है, आप दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, एक मोबाइल एक लैपटॉप ऐप की कुछ भी कनेक्ट कर, बहुत अच्छे से आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसको टीवी में कनेक्ट करके देखे, स्मार्ट टीवी में लैपटॉप में कनेक्ट करके देखा, बहुत अच्छी लगे, स्मूथ ही कनेक्ट हो जाता है। पेयरिंग कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। पहला अपना डिवाइस पेयर करना है, फिर रिसेट करना है इस बटन से, फिर जब डिसाइड करके रिसेट बटन पर दबाएंगे फिर दूसरे डिवाइस के लिए पेयरिंग का ऑप्शन खुलेगा, आप उस डिवाइस से पेयर कर लीजिए। फिर दोनों डिवाइस को आप स्विच कर सकते हो इधर होल्ड करके, वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग्स में। इसको पेयर करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने ओपन कर दिया, मेरा ऑलरेडी पेयर्ड होगा इसीलिए कनेक्ट हो गया वन प्लस नॉट वर्ड, तो मैं इसको अनपेयर करना पड़ेगा, होल्ड ऑन, इसको अनपेयर कर देता हूँ। अब मैं इसको लीड बंद कर दिया, देखिए ग्रीन लाइट चल रहा है, अभी मैं इसको खोलता हूँ, सी द मैजिक, या नाइस एनिमेशन पूरा प्रॉपर तरीके से आता है ब्रांडिंग के साथ। अभी इसको कनेक्ट करना है बस, प्लेस योर इन द केस एंड प्रेस एंड होल्ड द पेयरिंग बटन फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए मुझे पेयरिंग बटन को होल्ड करना है, लेट मी होल्ड इट, 1 2 3 डन, कनेक्ट हो चुका है। आपको बैटरी इंडिकेटर आ गया, चार्जिंग केस से कितना चार्ज बचा है सब दिख रहा है। अभी इधर ही ब्लूटूथ सेटिंग में मैं जाता हूँ, आपको पूरा डिटेल्स मिलता है, देख सकते हैं AAC सपोर्टेड है, फ़ोन कॉल कर सकते, ईयरबड फंक्शंस लेटर, वीडियो मुझे नहीं चाहिए। इधर आपको इक्वलाइजर सेटिंग्स भी मिलते हैं, कस्टमाइज भी आप कर सकते अपने हिसाब से, ईयरबड कंट्रोल आप अपने हिसाब से स्विच डिवाइस कर सकते हो, सारे फंक्शन सेट कर सकते हो, और फर्मवेयर अपग्रेड भी है। फिर मैंने जब पहले वाला आया था उसके बाद मेरे को अपग्रेड करने का एक सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट दिया था, और आप अपना ईयरबड्स ढूंढ भी सकते हो कहीं पे अगर गुम हो गया तो वो भी आप इसके कर सकते हो। बाकी इसमें डिस्कनेक्ट और अबाउट द डिवाइस ऑप्शंस है ना कमाल का, बिना ऐप डाउनलोड किए आपको सारे फंक्शंस मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। अभी मैं इसका माइक क्वालिटी टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका माइक कैसा है आपको इस साउंड से पता चल जाएगा। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी की माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने इसको पेयर किया है, डुअल डिवाइस कनेक्ट कर दिया है, दो स्मार्टफोन पे मेरा ये डिवाइस कनेक्टेड है, मैंने स्विच कर लिया है जो स्मार्टफोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, उसमें मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अभी ये वॉइस जो क्लैरिटी आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, आपको इसी की माइक इसी का ईयरफोन से, मैं ये है ईयरफोन मैंने इसी से बात कर रहा हूँ, इसी से रिकॉर्ड हो रहा है, आपका अंदाज़ा हो जाएगा माइक क्वालिटी इसका कैसा है। अभी पीसफुल एनवायरनमेंट है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा शायद, बट मैंने जब अपने कुछ दोस्तों से इसको पहन के बात किया तो मुझे बहुत चीज़ें बार बार रिपीट करना पड़ रहा था, क्योंकि उनको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 2023 का हाफ ऑफ द ईयर खत्म हो चुका है, क्या इसको अभी लेना चाहिए, क्योंकि सेकेंड जनरेशन तो आ चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर दिया गया है, जैसे ANC दिया गया है आपको 30-35
तक दिया गया है, प्लस ब्लूटूथ वर्जन भी 5.3 दे दिया गया है, और थोड़े थोड़े और इम्प्रूवमेंट आए गए, गेमिंग में लो लेटेंसीज वगैरह इम्प्रूव किए गए हैं, और माइक जो वॉइस कॉलिंग का और वीडियो रिकॉर्डिंग का जो माइक क्वालिटी का भी इम्प्रूवमेंट आया है, तो इसका ओवरऑल माइक इतना अच्छा नहीं है। तो ठीक है, आप पीसफुल एरिया में बहुत अच्छी तरह से कन्वर्सेशन कर सकते हैं फ़ोन में या वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, बट अदरवाइज आप बहुत डिफिकल्टीज होने वाले हैं। तो कॉलिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा इसको, सिर्फ म्यूज़िक के लिए अच्छा है, कनेक्टिविटी के लिए अच्छा है, ड्यूअल पेयरिंग के लिए बहुत अच्छा है। और अगर ये आपको 2000 के बिलो मिल गए हैं तो आप लीजिए, वरना इसको कीप कर स्किप करके आप जो अभी सेकेंड जनरेशन आया वो थोड़ा इम्प्रूव है, अपग्रेडेड है, उसको आप जरूर बाई कर लीजिए। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, और बने रहिए हमारे साथ, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं। तो जय हिंद।